मैं आई हूँ मफत लाल नरीमन पॉइंट में चाइना का वीज़ा अप्लाई करने, और जो मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम था, ये देखो आप कितनी लंबी लाइन लगी। एग्जैक्ट 10 मिनट पहले आपको छोड़ेंगे अंदर जाने के लिए, और अंदर तो आप पूछो मत, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राउड है अंदर। पूरे 5 घंटे लगे मुझे। तो चाइनीज़ वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड। इस जगह को मैं इतना मिस करती हूँ ना कि हर महीने मैं यहाँ पे ज़रूर आ जाती हूँ। चलो मज़ाक अपार्ट, अब मैं आपको बताती हूँ चाइनीज़ वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पासपोर्ट फॉर श्योर, 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट विद स्टैम्प, और मिनिमम 1.5 लाख बैलेंस हो तो अच्छा रहेगा। प्लस आपको डमी टिकट रिटर्न चाहिए होगा। डमी टिकट अगर आप नहीं भी दोगे तो कुछ लोगों ने तो नहीं भी दिया था। आइटिनरी और कवर लेटर काफ़ी अच्छे से थोड़ा बनाना, मैंने गलती की थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था तो मुझे वापस से बनाना पड़ा, जिसके लिए बहुत टाइम लगा और उन्होंने फिर मुझे प्रीमियम दे दिया लेट होने की वजह से, तो पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। तो आप लोग ये गलती मत करना, एकदम डॉक्यूमेंट्स बराबर से रेडी करके जाना। विद इन 4 डेज आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। तो आगे मैं फ़्लाइट में, वेटजेट की मेरी फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट मुझे आई है कुछ 13,000 रुपयों के लिए, वाया होचीमी टू वाया हांगकांग, नो वाया होचीमी टू हांगकांग, और हांगकांग से मैं लेने वाली हूँ ट्रेन। तो 5 घंटे के लंबे फ्लाइट के बाद फाइनली मैं होचीमी वियतनाम पहुँच चुकी हूँ, और ये देखो आप मस्त सी सीट मुझे मिली है। 7 घंटे का ले ओवर है मेरा, तो मैंने सोचा क्या करूँ, सो के निकाल दूँगी, तो बस सो के निकाल रही हूँ। नेक्स्ट फ्लाइट मेरी 7 घंटे के बाद हांगकांग के लिए है, और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मैं लास्ट टाइम जो वियतनाम आई थी बहुत गर्मा गर्म था, बट इस बार मौसम काफ़ी अच्छा सा है। तो ये मेरी छोटी सी नन्ही सी फ़्लाइट आ गई, लास्ट टाइम वाली फ़्लाइट तो बहुत ही बड़ी थी। होचीमिन टू हांगकांग मैं कुछ 2 घंटे 20 मिनट में पूरी करने वाली हूँ जर्नी, और ये देखो आप फ़्लाइट ऑलमोस्ट खाली है, पीछे की सीट, सामने की सीट, सारी सीट्स खाली हैं, लेकिन मुझे बहुत सो लिया है मैंने, तो अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। हांगकांग तो मैं पहुंच गई हूँ पूरे 19 घंटे की जर्नी के बाद, और अभी भी मेरी जर्नी बाकी है क्योंकि यहाँ से मुझे चाइना जाना है, लेकिन यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से अभी 7:30 हो रहे हैं और अभी तक मेरा इमिग्रेशन हुआ नहीं है, तो इमिग्रेशन वगैरह में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद फिर चाइना के लिए कोई ट्रेन होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो जल्दी से पहले इमिग्रेशन कर लेते हैं ताकि मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। वैसे मुझे हांगकांग में भी कुछ काम था, मैंने सोचा था वो काम करते हुए मैं जाऊं चाइना, लेकिन अभी इतनी लेट हो गई हूँ कि पता नहीं फिर वापसी में ट्रेन मिलेगी या नहीं, और मेरी कोई बुकिंग नहीं है यहाँ पे, तो मैं फंस जाऊँगी। डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है एयरपोर्ट पे बहुत ही गंदे रेट मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं सिर्फ 10 डॉलर करवाऊँ, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया एक्सचेंज वालों ने। तो अभी मुझे ये मशीन दिखा है, बट आई एम नॉट श्योर इसमें 10 लेंगे या नहीं, देखती हूँ ट्राई करके। तो ये किया हमने स्टार्ट, अग्री, यहाँ पे तो 100 100 ही दिखा रहा है, पता नहीं लेंगे या नहीं। यू मे कंटिन्यू टू इंसर्ट मल्टीपल करेंसी, प्लीज इंसर्ट 1 नोट एट अ टाइम, गूगल रिसीव। कॉइन्स, कैश, पैसे तो मेरे अंदर चले गए, होपफुली निकल जाए। You may continue. Confirm. Wow, मेरा पैसा ले लिया। तो फाइनली इसने मेरा 10 का USD ले लिया, जो कि शॉप वाले नहीं ले रहे। Yo, I got it. सॉरी, तो थोड़े ये चिल्लर भी निकल गए हैं। या तो अभी कुछ
8 बज चुके हैं और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं हांगकांग में ही हूँ और कल मैं चाइना जाऊँगी, क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक ही चाइना की जो बुकिंग की है होटल की वो मैंने कल से कर दी। तो वैसे भी अभी इतनी रात हो चुकी है, जाके भी चाइना क्या करूँगी, सो ही जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं हांगकांग में ही सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे करेंसी भी जो एक्सचेंज करवानी है चाइनीज युआन, वो मैंने सुना है हांगकांग में अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। तो जर्नी तो मेरी काफ़ी स्मूथ रही, उन्होंने यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं चेक किया, दे जस्ट आस्क मी आर यू ट्रैवलिंग टू चाइना, आई सेड यस, बस उन्होंने ऐसा स्टैम्प लगाया और मुझे जाने दिया। तो अब करते हैं बात चाइनीज़ वीज़ा की, तो वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। वीज़ा के लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगे, ITR भी मैं लेके गई थी, जो कि उन्होंने मेंशन कर रखा है शायद मुंबई के लिए ITR नहीं, ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्होंने मेरा ITR भी वापस कर दिया। लेकिन अगर आप लोग भी लेते हो अपॉइंटमेंट, तो मेक श्योर कि बहुत टाइम लगने वाला है, जो भी आपने टाइम स्लॉट बुक किया है उसे 4-5 घंटे ऊपर लगने वाले हैं, और टाइम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट भी है वो लोग, अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर हो गया तो सीधा आपको प्रीमियम करवा देते हैं, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया। मैंने बहुत ही बेसिक सा मेरी आइटिनरी बनाई थी और बहुत ही बेसिक मैंने कवर लेटर भी किया था, सिर्फ इतना कि मैं मुंबई से शंघाई जा रही हूँ, सॉरी बीजिंग जा रही हूँ, और मैं फर्स्ट डे जो मैंने गूगल से कुछ कुछ निकाल लिए थे वहाँ के टूरिस्टिक स्पॉट, तो मैंने बस दे दिया कि आज मैं ये टूरिस्ट स्पॉट पर जाऊँगी और कल मैं होटल में आराम करूँगी और फिर मैं इस टूरिस्ट स्पॉट पे जाऊंगी, और मैंने सिर्फ 10 डेज़ का उन्हें दिखाया कि मैं 10 डेज़ में जा रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता ना मेरा वीज़ा कहीं डिनाई ना हो जाए, बट लकीली बिल्कुल डिनाई नहीं हुआ, 4 दिन में शार्प मेरा वीज़ा आ गया, और मैं इस ट्रिप पर काफ़ी लंबे टाइम के लिए हूँ, तो इसलिए मैंने रिटर्न टिकट भी बुक नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं रिटर्न टिकट कब जाना चाहूँगी, हो सकता है मैं 20 दिन में निकल जाऊँ, हो सकता है 15 दिन में, और हो सकता है मैं पूरा 1 मंथ रह के जाऊँ। तो रिटर्न टिकट मुझसे मुंबई में तो बिल्कुल नहीं मांगा, लकीली नहीं मांगा, जबकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो रिटर्न टिकट इज़ मैंडेटरी, बट वहाँ नहीं मांगा। इमिग्रेशन वाज लाइक वेरी सुपर स्मूथ, उन्होंने तुम बहुत ट्रैवल करती हो और बहुत ही मुस्कुरा के और बहुत ही प्यार से उन्होंने बात किया। इस बार मैंने ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया इमिग्रेशन ऑफिसर को, क्योंकि हर बार मैं थोड़ी बातें करने लग जाती हूँ उनकी ये फ्रेंडली ये देख के बिहेवियर, और बाद में फिर वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं मेरे होटल, होटल मैंने बुक नहीं किया है जाके वहाँ पे, क्योंकि वो चंक इन मेंशन करके जो यहाँ पे जगह है वो फुल ऑफ इंडियंस से भरा हुआ है, तो डायरेक्टली जाके वहाँ पे बार्गेन करके अच्छे रेट पे ले लेंगे। तो एक रात हांगकांग में रुकने का मेरा डिसीजन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से था, क्योंकि मुझे कुछ करेंसी भी एक्सचेंज करवानी है, क्योंकि चाइना में मैंने ऐसे सुना है कि अच्छे रेट्स नहीं मिलते, और प्लस मुझे यहाँ से सिम भी लेना है ताकि उसमें इनबिल्ट VPN हो जो मेरा चाइना में भी वर्क करे। तो एक रात के लिए मैंने हॉस्टल बुक कर लिया है और मेरा हॉस्टल मुझे कुछ आया है 1500 रुपये में, क्योंकि इससे कम में यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पानी इंक्लूडेड होता है हॉस्टल में, ये देखो आप कितने सारे गर्म पानी, ठंडे पानी, सारा भी पानी है। पानी बहुत महंगा है हांगकांग में। तो मैं आपको मेरा हॉस्टल दिखाती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक रात की बात थी इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कैसे भी हॉस्टल में एडजस्ट कर लूँगी, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। वैसे तो वो 4 बेड है, लेकिन लकीली उसमें 4 लोग नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो भी चाइना से है वो आदमी, तो अच्छा है, मुझे चाइना के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो मिल जाएगी। और ये रहा मेरा गर्म पानी।